अश्रीगुरु गीता स्तोत्रमाला मंत्र सदा सदा शिव ऋषि नाना विधान चंद्रश श्री गुरुदेवता श्री गुरु पीतर थे जपे विनियोग सूत सर्वपुराणज्ञ सर्व महात्मिदान वर गुरु महात्म विशेषण शोध कामा वयम सदा आचारवान पुरुषो वेदे इतिहास जगो तस्मा सर्वप्रतिनिध गुरु महात्म बद प्रभो तन्मुखात यथा सत्वा तथा सम्यग उपासमहे इत्येवं वचनं तेषां श्रुत्वा श्रुतो आब्रावीदनम् साद पृष्ठम भवतस्य लोकानाम हितकार के भवन्तस्तथा धन्या पवित्रा कुलभूषा ते धन्यास्कृतार्थाश्च सफलम देहि धारणम उद्दतम च कुलतेस्तु ए गुरुशम उपास्ते एसाम चाये गुरु साक्षात दैवतम परम शुभम तेसाम गुरु कथा लोके बलभाम भूयंताम सदा यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कत्ता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना कैलाश शिखरे रम्मे भक्ति साधन हेतवे परम पार्वती भक्त्या शंकरम परिपृच्छति ओम नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदाशिव महादेव गुरुदीक्षाप देहि केन मार्गेण भव स्वामिन देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे देव नमामि शरणोतो श्री ईश्वरवाच्य मम रूपास्तेवी तम तद्भक्तार्थम वदा अहम लोको उपकार को प्रश्नो न केनाप कृतापुरा गो शब्द अंधकारोस्ति रू शब्द तत् निरोध का अंधकार निरोधित्वाद गुरु इत अविधीयते यद्रति कमलम द्वंदम द्वंद ताप निवारकम तारकम भव सिंदोष श्री गुरु परमा अहम लोको उपकार को प्रश्नो न केनाप कृतापुरा दुर्लभ स्थित श्लोकेश तत् उष्णु यथा तथा किंचित गुरुम बिना नान्यते सत्यम सत्यम वरानने मंत्र यंत्र आदि विद्यानाम स्मृति उच्चाटन आदिकम शैव शक्ता आगम दीन संत बहुर मतानि च अभ्रंसाय सर्वेषां जीवानाम भ्रंत चेष्टाम वेद शास्त्र पुराणादि ज्ञात्वा वे गुरु कामया स्वयं लोके गुरु साक्षात जायते चाये तत्विद यज्ञो दानम तपस्तीर्थम दत्यम धम परम चयत गुरु तत्यम विज्ञाय मुलस्ते अन्न पराजना गुरु बुद्धे आत्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानने स्वलाभार्थम पितने कर्तव्य मनीषी भी गुरु विद्यस्य सर्वेशाम देहिनाम ज्ञान संभवा उदिया स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् कृतार्थम् वदाहम् सर्वा विमुक्तात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् सर्व तीर्थ गाहस्य प्राप्नोत् सुफलम् नरा गुरु पादोकम् पीत्वा जलम् शिरस्य धारयेत् शोषणम् पापङ्कस्य दीपनम् ज्ञान तेजसाम् गुरु पादोकम् सम्यक् संसार आडवतारकम् अज्ञानार्ति हरम चैव जन्य कर्म निवारणम ज्ञान विज्ञान सिद्धार्थम गुरु पादोकम पिबित गुरु पादोकम पीत्वा गुरु शिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु स्तो सदा जप काशी क्षेत्र निवास वशो जानवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वरा साक्षा तारकम ब्रह्म निश्चितम शिरा पादाकं तम कत्वा ज्ञासा वृक्षो बटा तीर्थराज प्रयागोर्षो गुरुमूर्ते नमोस्तुते गुरुमूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत गुरु आज्ञा प्रकृतवीत गुरु अन्नना भावेत गुरु वक्ते स्थितम ब्रह्म प्राप्ते तत्प्रसादता गुरुमूर्ते सदा ध्यानम यथा शरीरण उगोषिता निजाश्रम स्वजातिस्य स्वकीर्त पुष्टवादिनी बिना सर्वम अपत्याज्यम गुरो अन्यना भावी
अनचिन्त्यतो माम शुभलम परम पदम तस्मात् सर्वज्ञेन गुरो आराधनम कुरु। गुरु भक्ते स्थिता विद्या, गुरु भक्त्या च लभते, स्त्रीलोके श्रृणन् भक्तारो देवादिशूर्पं निकः। उकारा अंधकारोऽस्ति, रुकारा तेज उच्यते, अज्ञान ग्राशकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारो प्रथमो वर्ण मायादि गुणभाषका, रुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विमोचका। एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवानाम दुर्लभम, हा हा हु गणेश गंधर्वश्चाय पूजते। एवं तेषां च सर्वेषां नास्तत्तम गुरो परम, आसनम संयनम वस्त्रम वाहनम भूषणादिकम। साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोष कारणम, गुरु आराधनम कार्यम जीतत्त चा निवेदित। कर्मणा मनसा वाचा सद्वा आराध्यो गुरु, दीर्घ दंडो नमस्कृते निर्लज्जी गुरु सन्निधो। शारीरम अर्थ संप्राप्तम सद्गुरुभ्यो निवेदित, कृमि बिम्ब भस्म विश्रांतम दुर्गंध मल मूत्रकम। श्लेष श्लेष्म रक्त चामासम तन रुत्थम वरानने, संसार विषमा आरुड़ा पतंति नरका। श्री गुरुवर चरणम द्वंदम यस्य दिशि विराजते, तस्य दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिन प्रिये। गुरु पाद प्रसादेन ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, एनोद्दतम इदम विश्वम तस्मे श्री गुरुवेन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन श्लाकया, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दृश्यतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति सरोरत्न विराजतम पदा अम्बुजम, वेदांता अम्बुजम सूर्यो तस्मे श्री गुरुवे नमः। यश स्मरण मात्रे ज्ञानम उपपद्यते स्वयं, सदैव सर्वसंपत्ति तस्मे श्री गुरुवे नमः। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, विन्दुनाद कलातीतम तस्मे श्री गुरुवे नमः। स्थावरम जंगम चाएव चराचरम एव चा, एन व्याप्तम जगत सर्वे तस्मे श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़म दत्तमाला विभूषितम, मुक्ति मुक्ति प्रदातारम तस्मे श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्ते कर्म बंद विदायने, स्वात्म ज्ञान प्रदाने तस्मे श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति पर आरूण तत्वमाला से शोभित, भोग और मोक्ष के देने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से अनेक जन्मों से प्राप्त हुए कर्म रूपी बंधन को जलाने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। शोषणम भव सिंदोष दीपनम ज्ञान संपदाम, गुरोपादोकम सम्यक तस्मे श्री गुरुवे नमः। गुरु का चरणोदक संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाला और ज्ञान रूपी संपत्ति को पूर्ण प्रकाश करने वाला है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार। न गुरो अधिकम तत्तम न गुरो अधिकम तपा, गुरो ज्ञानात् परम तत्तम तस्मे श्री गुरुवे नमः। गुरु से अधिक तत्व नहीं है, न गुरु से अधिक तप है। गुरु के ज्ञान से परम तत्व ज्ञान होता है, उन श्री गुरुदेव के नमस्कार है चरणों में। मम नात्री जगन्नाथो मम गुरु त्रि जगत गुरु, मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरु आदि अनादि च गुरु परम देवतम, गुरो मंत्र समो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु आदि है, गुरु अनादि है, गुरु परम देव है, गुरु के समान और मंत्र नहीं है। श्री गुरुदेव को नमस्कार है, श्री गुरुदेव को गर्व नमस्कार है, श्री गुरुदेव को नमस्कार है, श्री गुरुदेव को। शत सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान के फलम गुरुपादोकशपी सहसा सेन्दुर्लभम। सात सागर पर्यंत तीर्थ स्नान का फल गुरुदेव के चरणोदक के हजार में अंश के बराबर नहीं है, इसलिए गुरुदेव का चरणोदक दुर्लभ है। गुरु जगत सर्व ब्रह्मा विष्णु शिवात्कम गुरु परतरम नास्ति तस्मा संपूजयेत गुरुम। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसे व्याप्त सारा जगत गुरु ही है, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसीलिए भले प्रकार से गुरुदेव का पूजन करें। ज्ञान विज्ञान मुक्तस्य लभते गुरुभक्तता गुरु समन्तो नान्यते साधुवशो गुरुमार्गणा। गुरु की भक्ति से ज्ञान विज्ञान और मोक्ष होता है, इसलिए गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले को गुरु ही साध्य है, गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले को गुरु ही साध्य है, गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले को गुरु ही साध्य है। यस्मात् परतरम् नास्ति नेति नेति वा श्रुति मनसा वचसा चैव सर्वदा आरेत गुरु। जिससे परे कोई नहीं है, जिसे श्रुति नेति कहती है, अतः मन से वाणी से सदा उन परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की आराधना करें, गुरुदेव की आराधना करें, गुरुदेव की आराधना करें। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सामर्थ्य तत् प्रसादेन केवल गुरु सेविया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु की कृपा के प्रसाद से हुए हैं, केवल गुरु की सेवा करने से और गुरु के प्रसाद से उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है, उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है, उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है। देव किन्नर गंधर्वा पितृ यच्छास जाना मुनियो अपि न जानन्ति गुरु सूक्ष्म विदम। देवता किन्नर गंधर्व पिच पितृ यक्ष सारा और मुनि भी गुरु की सुरुषा की विधि नहीं जानते हैं। मदा अहंकार गर्मेण तपो विद्या बलादिका संसार कोहरावते घट यंत्रम यथा पुनः। वे जीव मद अहंकार और गर्व से तपस्या विद्या और बल के अधिक होने पर भी घटी यंत्र के समान संसार भी गड्ढे में गिरते हैं। न मुक्ता देव गंधर्वा पित्रो यच किन्नरा ऋषिया सर्व सिद्धार्थ गुरु सेवा परांग मुखा। देवता गंधर्व पित्र यच किन्नर ऋषि और सब सिद्ध गुरु सेवा से विमुख होने से मुक्त नहीं हुए हैं। ध्यानम रेणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौप्रदम चाहे भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हे महादेवी सब आनंद के देने वाले, सर्व सुख के देने वाले, भुक्ति और मुक्ति के देने वाले ध्यान को सुनो। श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु नमामि श्रीमत् परम मत परम ब्रह्म गुरु भजामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु वदामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरु स्मरामि। श्रीमान परब्रह्म रूप गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, श्रीमान परब्रह्म रूप गुरु को मैं भजता हूँ और श्रीमान ब्रह्म रूप गुरु को मैं कथन करता हूँ, श्रीमान परब्रह्म गुरु को मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्याद्याच। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। ब्रह्मानंद स्वरूप परम सुख देने वाले केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्व से परे आकाश के समान सर्वव्यापी तत्वसमसी आदि महाभाग के लक्ष्य एक नित्य निर्मल अचल सदा साक्षी स्वरूप भाव से अति तीनों गुणों से रहित उन गुरुदेव को नमस्कार है। आनंदमान आनंदकरम प्रसन्नम
ज्ञान स्वरूपम निज बोधि रूपम योगींद्र मीडियम भवरोग वेदम श्री नित्य अहम श्रीमद गुरुम नित्य अहम नमः। आनंद स्वरूप आनंद करने वाले प्रसन्न ज्ञान स्वरूप निज बोध रूप योगियों के राजा स्तुति करने योग संसार रूपी रोग के वैद्य श्रीमान गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हृदय अम्बुजे कड़का मध्य संस्थम सिंहासने संस्थम दिव्य मूर्तम ध्याने गुरु चंद्र कला प्रकाशम सचित सुख इष्ट फल प्रदानम। हृदय कमल के कोश के मध्य स्थित सिंहासन पे विराजमान दिव्य मूर्ति सचित आनंद स्वरूप इष्ट फल देने वाले चंद्रकला के समान प्रकाश वाले गुरुदेव का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यम बोधम चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमः। नित्य शुद्ध आभास रहित आकार रहित माया रहित नित्य बोध स्वरूप चेतन आनंद रूप श्री गुरु ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है, मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है, मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञान ही कल्याणकारी है। एवं विदम गुरु ध्यात्वा ज्ञानम उपद्यते स्वयं तथा गुरु उपदेशेन मुक्तो अहम इति भावित। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होता है, तब ऐसी भावना करें कि गुरु के उपदेश से मैं मुक्त हुआ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। गुरु संदर्शते मार्गे मना शुद्ध कृतम यदा अनित्यम खंडेत सर्वम यत किंचित दृष्ट गोचरम। जब गुरुदेव के दिखलाए हुए मार्ग से मन शुद्ध कर लिया जाता है, तब दृष्टि का विषय है वह सब अनित्य को तोड़ डालता है, अर्थात मोह छूट जाता है, मोह छूट जाता है। ज्ञेयम सर्वम अनित्यम च ज्ञानम च मम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम समम कुर्यान ही अस्तुति का। संपूर्ण ज्ञेय दृश्य अनित्य है और ज्ञान मेरा कहलाता है। ज्ञान और ज्ञेय को समान कर लेते हैं तो द्वैत नहीं रहता है। एवं सुत्ता महादेवी गुर निंदा कारोतिया शायाति नरकम घोरम यावत चंद्र दिवा करो। हे पार्वती, इस प्रकार सुन करके जो गुरुदेव की निंदा करता है वह जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ता है। यावत कल्पांतो देव देह तावत देवी गुरु स्मरे गुर लोपो न कर्तव्या स्वच्छंदो यदि भावे। कल्पांत तक जब तक देह है तब तक गुरु का स्मरण करें, यदि मुक्त होने की इच्छा हो तो गुरु का लोप ना करें। हुंकारेण वक्तव्यम प्राग शिष्येण कदाचन गुराग्रेण वक्तव्यम असत्यम च कदाचन। बुद्धिमान शिष्यों को कभी हुम इस अहंकार या उपेक्षा भरे शब्द से नहीं बोलना चाहिए और गुरुदेव के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरु हुम कृत्य तम कृत्य गुरु निर्जत्य वादता अरण्ये निर्जले देशे संभवेत ब्रह्म राक्षस। गुरुदेव से हुम उपेक्षा तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए, आप कहकर के बात करनी चाहिए तथा तर्क वितर्क के द्वारा गुरुदेव को जीत लेने पर भी क्षमा प्रार्थना करें, अर्थात अन्यथा निर्जल स्थान में ब्रह्म राक्षस होता है।
मुनिवी पन्रिविगा वापी सुरेवा साप्तो यदि काल मृत्यु भया द्वापी गुर रक्षत सर्वदा। यदि मुनियों से सर्पों से और देवताओं से श्राप दिया गया हो तो उस साप से काल और मृत्यु के भय से गुरुदेव सदा रक्षा करते हैं। अशक्ता ही सुधाराच अशक्ता मनस्तथा गुरु शापता छीड़ा क्षयम यान्ति न संशया। देवाधिक सामर्थ्य रहित है, मुन सामर्थ्य रहित है, गुरु का श्राप लगने से क्षय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। मंत्रादिदं देवी गुरु इत अक्षरम द्वयम् श्रुति वेदांत वाक्यानाम गुरु साक्षात् परम पदम्। हे देवी, श्रुति और वेदांत के वाक्यों में गुरु ये दो अक्षर मंत्राज है, गुरु साक्षात् परम पद है। गोकारा च गुणातीतम रुकारा रूप वर्जितम गुणातीतम रूपंच यो हिष्यात सद्गुरु स्मृता। गुकारा गुणों से अतीत है, रुकार रूप से रहित है, जो गुणों से अतीत और रूप से रहित है वह गुरु कहलाता है। श्रुति स्मृति विज्ञाय केवलम गुरु सेव का तेवे संन्यास ना प्रोक्ता इतरे विषाधारणा। श्रुति स्मृति को न जान करके भी जो केवल गुरु के सेवक हैं वे ही सन्यासी कहलाते हैं, अन्य केवल सन्यासी के वेशधारी हैं यदि गुरु की सेवा नहीं करते हैं। गुरु कृपा प्रसादेन स्वात्मा रामो ही लभते अनेक अनेन गुरु मार्गेण ही अंतर ज्ञानम प्रवर्तते। गुरु की कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है, इस मार्ग से अंतर ज्ञान उदय होता है, इस मार्ग से अंतर ज्ञान उदय होता है, इस मार्ग से अंतर ज्ञान उदय होता है। आब्रम स्तब्यम पर्यंतम परमात्स्वरूपिणीम स्थावरम जिंगम चैव प्रणमाम जगन्मयन। ब्रह्मा से छोटे पौधे पर्यंत परमात्मा के स्वरूप है जगन्मय स्थावर और जग परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वंदे अहम सच्चिदानंदम वेदातीतम जगद्गुरुम नित्यम पूर्ण निराकारम निर्गुणम स्वात्म संस्थितम। सच्चिदानंद स्वरूप भेद से अतीत नित्य पूर्ण आकार रहित गुण रहित स्वात्मा में स्थित जगद्गुरु की मैं वंदना करता हूँ। प्रात परधेयम नित्यमानंद कारकम हृदया आकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। परे से अत्यंत परे ध्यान करने योग नित्य आनंद करने वाले हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांत वाले स्फटिक प्रतिमा रूपम दर्शने दर्पते दर्पणे यथा तथा आत्मानम चिदाकरम आनंदम सोहम। जिस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप से दर्पण में दिखाई देती है उसी प्रकार आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप है और वह आनंद मैं ही हूँ। अंगुष्ट मात्रम पुरुषम चिन्मायम धायते हृदि तत्स्मृति भावोय पश्य तत् कथया। चेतन स्वरूप अंगुष्ट मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव स्फुट होता है देखो मैं उसको कहता हूँ। आगोचरम तथा आगम्यम रूप नामा आदि वर्जितम निःशब्दंतु विजानीयात स्वभाव ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, इंद्रियों का अभिषय अगम रूप नाम आदि से रहित शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने अर्थात मन का निर्विकार मौन भाव ही ब्रह्म है जैसे गूंगे का स्वाद। यथा निस्वभावेन कर्पूर कुमकुमादिश शीतोष आदि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस प्रकार कर्पूर कुमकुम के अपने अपने स्वभाव शीतोष आदि है उसी प्रकार ब्रह्म का शाश्वतता ही स्वभाव है।
ब्रह्म का शाश्वतता ही स्वभाव है, ब्रह्म का शाश्वतता ही स्वभाव है। स्वयं सर्मयो भूत्वा स्थातव्यम यत् कुत्र चित्रे कीट भमर वत्रत्य ध्यानम भवत्तादृशम्। सर्मय होकर के जहां तहां स्वयं स्थित हो, जैसे कीट सदा भ्रमर का ही ध्यान करता है, उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ही ध्यान होता है। गुरु ध्यानम तथा कृत्वा सदा सर्म ब्रह्ममयो भवे पिंडे पदे च रूपे मुक्तास्ते न संशया। इसी प्रकार पिंड में, पद में, स्थान में, शब्द में, रूप में गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे, जो ऐसे ध्यान वाले हैं वह मुक्त है, इसमें संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं है। पिंडम किंतु महादेव पद किम समदायतम रूपा च रूपातीतम यदि हाख्य शंकर। पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं, हे शंकर रूप और रूप से अतीत को भी कहिए। पिंड कुंडलनी शक्ति पद हंस उदायता रूपम बिंदु इति गेयम रूपा अतीत निरंजनम। शिव जी ने कहा पिंड कुंडलनी शक्ति है, पद हंस कहलाता है, रूप को बिंदु जानना चाहिए, रूप से अतीत निरंजन है। यशावलोकान देव सर्वसंग विवर्जिता एकाकी नीस प्रहा शांता जायते तत्प्रसादता। जिस निरंजन ब्रह्म को देखने से मोह रहित हो जाता है, उसके प्रसाद से संग से रहित अकेला रहना, इस प्रहार रहित और शांत हो जाना बनना है। गुरु ध्यानात अनंतम गुरु ब्रह्ममयो भवेत परात्परतरम नान्यत सर्वम एव निरालयम। गुरु के अत्यंत ध्यान से स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है, परे से भी परे अन्य कोई नहीं है, सभी आधार रहित हैं, सभी आधार रहित हैं, सभी आधार रहित हैं। लब्धवा च लब्धवा स्वल्पम बहुलम यथा निष्कामे भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानसा। प्राप्त हुआ अथवा न प्राप्त हुआ, थोड़ा हुआ अथवा बहुत हुआ, संतुष्ट मन से निष्काम होकर के भोगना चाहिए। सर्वज्ञ पद्मासाद देही शर्मयो भवेत सदा आनंदा सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित। देही सर्वज्ञ पद को प्राप्त हुआ शर्ममय हो जाता है, जहां तहां नित्य आनंद में सदा शांत रहता हुआ रमण करता है। यत्रा अतिष्ठते स्वपि सदेशा पुण्यभाजिना मुक्तस्य लक्षणं देवी तबाग्रे कर्तम मया। जहां वह गुरु निवास करता है वह देश ही पुण्य का भाव मात्र है। हे देवी, मैंने तुमसे जीवन मुक्ति के लक्षण कहे। उपदेशो मया देवी गुरु मार्गेण दर्शिता गुरु भक्ति तथा ध्यानम सफलम तौ कीर्तितम। हे देवी, गुरु मार्ग से मैंने तुम्हें उपदेश दिखलाया है, गुरु भक्ति और ध्यान भी मैंने तुमसे कहा है। अनेन यत् भवेत् कार्यम तद्दाम महाशय लोकोपकारका देवी लोकिकम तु न भावते। इससे जो कार्य होता है हे देवी, मैं कहता हूँ कि वो लोक का उपकार करने वाला है, किंतु कोई उसे लौकिक ना समझे। लोकिकम यत् भावन्ति यज्ञास्ते ही यान्त भवारम्भम ज्ञानी च भावे सर्वे कर्मिष्कर्म शाम्यति। अज्ञानी लौकिक भावना से करते हैं, वो संसार समुद्र में गिरते हैं। ज्ञानी सर्व कर्म निष्काम भावना से करे, इस प्रकार कर्म का बंधन शांत हो जाता है। इदंत भक्ति भावेन पठ्यते सूयते अथवा लिखित्वा तत्प्रदातव्यम दान दक्षिणा से। इसको भक्त भाव से पढ़ें अथवा सुने अथवा लिखकर दान और दक्षिणा सहित देवे। गुरुगीता त्वं देवी शुद्ध तत्त्वं मयोदितं स्वभाव व्याधि विनाशार्थं तु इदमेव जपित सदा। हे देवी, ये शुद्ध तत्व
गुरु गीता के रूप में मैंने कहा है, संसार रूपी व्याध को नाश करने के लिए इसको सदा जपे। गुरु गीता अक्षरे एकम मंत्राज इदम प्रिय अन्य च विविधा मंत्रा कला नारहंत सोडसीम सर्व पापहारम चाय सर्वदारिद्र नाशनम यक्ष राक्षस भूतादि चौर ब्राग भयापहम। ये मंत्राज सब पापों का हरने वाला, सब दरिद्रता का नाश करने वाला और यक्ष राक्षस भूत आदि चोर और ब्राग के भय को दूर करने वाला है। यम यम चिंतियते कामम तम तम आपनोत निश्चितम काम तस्य कामधेनु कल्पतस्सुरतमा। जो जो कार्य विचारा जाता है सो सो निश्चय प्राप्त होता है। कामना करने वाले को कामधेनु है और कल्पना करने वाले को कल्प वृक्ष है। चिंतामणि च चिंतस्य सर्व मंगलकारकम मोक्ष कामो जपे नित्यम मोक्ष सिद्धि अवाप्नुयात। चिंतन करने वालों का को सब मंगल देने वाली चिंतामणि है और मोक्ष की कामना करने वाला नित्य जपे तो मोक्ष सिद्धि को प्राप्त हो। यत कामम तद जपेद भावे तत् तत् कामम फलम लभेत अनंत फल प्राप्त होती गुरु गीता जपेन तो। जो जिस कामना से जप करे वह उस कामना के फल को निश्चय प्राप्त करे और गुरु गीता के जपने से तो अनंत फल को प्राप्त होता है। जपे साक्त चा शैवस्य गणपतस्य वैष्णवा सौरस्य सिद्धिम देवी सत्यम सत्यम नश्यत्। शाक्त शक्ति को मानने वाला, शैव शिव को मानने वाला, गणपत गणेश को मानने वाला और वैष्णव विष्णु को मानने वाला सौर सुर का उपासक जो जपे उसको सिद्ध को देने वाला है। हे देवी ये सत्य है, इसमें संशय नहीं। संसार मलनासार्थम परमानंद सिद्धे गुरु गीता विशिष्णानम तत्वगा पुरते सदा। संसार रूपी मल को नाश करने के लिए और परमानंद की सिद्धि के लिए तत्त्वज्ञ पुरुष सदा गुरु गीता का रूप जल में स्नान करता है। साई गुरुवत् साक्षात सदा सद ब्रह्मविद्मा तत् स्थान सर्वाणी पवित्राण न संशया। सदा सत ब्रह्म को जानने वाला साक्षात गुरु के समान है, उसके लिए सब स्थान पवित्र है, इसमें संशय नहीं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म शास्त्रम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति नास्तत्तम गुरु परम। मेरी कही हुई गुरु गीता के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है और गुरु से श्रेष्ठ परम तत्व नहीं है। ये सत्य है, सत्य है और फिर सत्य है। गुरु देवो गुरु धर्मा गुरु निष्ठा परंतपा गुरु पत्रम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। गुरु देव है, गुरु धर्म है, गुरु निष्ठा ही परम तप है, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये सुंदर मुख वाली पार्वती ये सत्य है, ये सत्य है। धन्या माता पिता धन्यो धन्यो वंश कुलं तथा धन्या च वस्ता देवी गुरु भक्त युतस्य में। हे देवी गुरु भक्ति दुर्लभ है, जिसके हृदय में गुरु भक्ति का उदय है उसकी माता धन है, उसके पिता धन है, उसका वंश और उसका कुल धन है। वो जहाँ वास करता है वो पृथ्वी भी धन है। सारी रम इंद्री प्राणा अर्थ सुजन बांधवा माता पिता कुलम देवम गुरुदेव न संशया। शरीर इंद्री प्राण धन स्वजन बांधव माता पिता कुल और देव गुरु ही है, सब गुरु ही है, इसमें संशय नहीं है। आकल्प जन्मा कोट्या यज्ञ वृत्त तपाह क्रिया तत्सर सर्वम फलम देवी गुरु संतोष मात्रता। हे देवी कल्प से लेकर करोड़ों जन्मों तक किए हुए यज्ञ तप और व्रत और क्रिया ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल है। विद्याधनम मदन एव मंदभागश इनरा गुरु सेवा न कुर्वंती सत्यम सत्यम वदा आह। जो मनुष्य विद्या और धन के मत में गुरु की सेवा नहीं करते हैं वे मंदभाग वाले हैं।
हे देवी, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवाशिपित किंद्रा सिद्ध चारण यच्छा सी ही अन्य अभिमुनि योजना। ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता ऋषि पितृ किन्नर सिद्ध चारण यक्ष और अन्य मुनि लोग भी गुरु की सेवा करते हैं। गुरु सेवा परम तीर्थम अन्य तीर्थ निरर्थकम सर्व तीर्थान देवेशी सद्गुरु चरणा अम्बुजे। गुरु सेवा परम तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवेश्वरी, गुरुदेव के चरण कमल में सब तीर्थ है। सर्व तीर्थ फलम देवी पदा अंगुष्ठ दे चवत दे अता पूर्णमया देवी न कश्यप कथन दिए। हे देवी, गुरुदेव के अंगूठे में सब तीर्थों का फल है। हे प्रिये, हे देवी, मैंने ये अब तक किसी से नहीं कहा। रहस्य दम न वक्तव्यम तवाग्रे कृतम मया सुगोप्यम च प्रतिनेन एना तत्त्वावाप्स्यसि। इस रहस्य को न कहना चाहिए, तुम्हारे आगे कहा मैंने कहा है, तत्व से गुप्त रखने की योग है, जिससे आत्मतत्व की प्राप्ति होगी। मनसा अपि न वक्तव्यम मम सानिध्यकारकम पतितम चित्त बिभ्रान्तम श्रद्धाभावम लोकमे। मेरी समीपता देने वाला इस रहस्य को मन से पापी और भ्रांत चित्त वाले पुरुष से श्रद्धा भक्ति देख करके भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे छल भी हो सकता है। इससे पूर्ण परीक्षा कर लेना अत्यावश्यक है। प्रवक्तम ही तद्देवी चा अन्यथा न एव सिद्ध्यति यस्यात् मानसी श्रद्धा तस्मै देयं वरं मे। हे देवी, इसको बताना भी चाहिए, नहीं तो ये सिद्ध देने वाला भी नहीं होता है। हे सुंदर मुखपाली, जिसके मन में श्रद्धा है उसको देना चाहिए। अभक्ते वंश के दूते पाषंडे नास्ति के सठे मन शाप न वक्तव्या गुरु गीता कदाचन। अभक्त वंचक धूर्त पाखंडी नास्तिक सठ, इनको गुरु गीता मन से नहीं कहनी चाहिए, मन से भी नहीं कहनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय व्यापने परमात्मने नमा से गुरुनाथाय ये अविद्या ग्रंथ भेद ने। अविद्या ग्रंथ का भेदन करने वाली सच्चिदानंद रूप व्यापी श्री गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु वह वासंती शिष्य विद्याप हार का तमेकम दुर्लभम मन्ने शिष्य संताप हार कम। शिष्य के धन को हरने वाले बहुत से गुरु हैं, जो शिष्य के दुख को हरने वाले हैं उन एक गुरु को मैं दुर्लभ मानता। संसार सागर समुद्र कीर्ण मंत्रम ब्रह्मादिदेव सिद्ध मंत्रम दारिद्र दुख भय विनाश मंत्रम वंदे महाभैहरम गुरुराज मंत्रम संसार समुद्र से पार करने वाले मुख मंत्र को ब्रह्मादिक देव मुनि और सिद्ध पूजित मंत्र को दारिद्र दुख भय और सुख को नाश करने वाले मंत्र को तथा महाभय को हरने वाले गुरुराज मंत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्री गुरु की ताजोतम श्री सद्गुरुदेवाय आते हैं।